भाइयों बहनों नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। ये आवाज है साधारण सी शख्सियत मगर असाधारण व्यक्तित्व रखने वाले इरफान खान की। अपनी अदायगी से किरदार को जीवंत बनाने वाले अभिनेता इरफान खान, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों के लिए कहा जाता है कि अफसाने कहती है ये आंखें, मगर वही आंखें 29 अप्रैल 2020 को सदा के लिए बंद हो गई। 2018 से कैंसर जैसे संक्रमण से जूझने वाले इरफान खान को उनकी तबीयत बिगड़ने पर 28 अप्रैल को उन्हें मुंबई के कोकिलाबाई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, मगर वहीं 29 अप्रैल को सुबह ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। इरफान के बचपन का नाम इरफान अली खान था। 7 जनवरी 1967 को जन्मे माँ सईदा बेगम और पिता यासीन खान की संतान इरफान को बचपन में पतंग उड़ाने का बेहद शौक। इरफान मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के पास टोंक जिले के रहने वाले थे। पिता टायर का काम किया करते थे। बचपन के शुरुआती दिनों में इरफान जयपुर के सेंट पॉल्स स्कूल में पढ़ते थे। इरफान को क्रिकेट से बहुत लगाव था। उनका चयन सीके नायडू ट्रॉफी में भी किया गया था, मगर पैसे की कमी और गरीबी की वजह से उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। बाद में राजस्थान कॉलेज से आगे की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा थिएटर में मन लगता था। उन्होंने कई नाटकों में भी काम किया है। हालांकि इन सभी के खिलाफ उनका परिवार था, लेकिन वो अपने परिवार को किसी तरह से समझा बुझा कर नाटकों में खुद को काम करने के लिए राजी कर लिया करते थे। उसके बाद अब जयपुर की गलियों को छोड़कर वो मुंबई की ओर अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़े। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। शुरुआती के दिनों में उन्हें टीवी सीरियल में काम करने को मिला, जिसमें चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात जैसे टीवी सीरियल में वो काम किए। पहली बार उन्हें 1988 में बड़े पर्दे पर सलाम बॉम्बे में काम करने के लिए एक छोटा सा रोल मिला। उसके बाद उनकी गाड़ी निकल पड़ी। इरफान खान ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी है, जिनमें हासिल, पिकू, द नेमसेक, लाइफ ऑफ द पाई, हिंदी मीडियम ब्लैकमेल, कारवां, पान सिंह तोमर, करीब करीब सिंगल, स्लम डॉग मिलेनियम जैसे अनेक फिल्में शामिल है। हिंदी फिल्मों के साथ इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है और बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने हॉलीवुड में भी किया है। 2011 में भारत सरकार द्वारा इरफान खान को पद्म श्री सम्मान दिया गया। 2013 में पान सिंह तोमर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया। 2018 में हिंदी मीडियम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म पान सिंह तोमर का मशहूर डायलॉग बिहार में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं, जिस डायलॉग को सुनकर थिएटरों में एक साथ सैकड़ों तालियां बजती थी, आज वही फनकार हमारे बीच में नहीं रहा। कुदरत ने तो हमसे इरफान को छीन लिया, मगर उनकी यादें और उनकी कृति हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।